एक कप ऑल परपज फ्लावर ले लेंगे, आधा टीस्पून जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, एक टीस्पून व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर में बहुत अंतर है, एक टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर, एक टीस्पून गार्लिक सॉल्ट, एक आधा टीस्पून सेलरी सॉल्ट, आधा टीस्पून बेजिल ड्राइड, एक टीस्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर, एक टीस्पून पापरिका पाउडर, आधा टीस्पून ऑरेगानो ड्राइड, एक क्वार्टर टीस्पून थाइम ड्राइड, थाइम ज़्यादा ना डालें, आधा टीस्पून नमक, मिक्स कर लें अच्छे से, नमक देख लें, नमक मेरे हिसाब से सही रहेगा एकदम। तो हमारे चिकन के लिए सीजनिंग रेडी है, जिसे हम कोट करेंगे चिकन को। तो मैं थाई पीस ले लूँगा, दो थाई हैं उसमें, दो लेग हैं, तो आप इसमें ब्रेस्ट से ही तो ब्रेस्ट यूज कर सकते हैं, ब्रेस्ट को आप छोटी छोटी पार्ट में काट के या स्लाइस करके आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले डस्ट किया, उसके बाद वापस अंडे में डिप किया, उसके बाद वापस कोट किया, इसको डबल कोट बोल सकते हैं। तो हम निकाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे, सबसे पहले एकदम हाई आंच भी करेंगे, तो उसके बाद इसको स्लो कर देंगे, कम से कम 8 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे, 8 मिनट तक फ्राई करें, तो इडली इस तरह से फ्राई करें, एकदम कलर भी मस्त आ रहा है। तो मैंने इसको टेस्ट करके देखा, एकदम परफेक्टली मस्त था, वाव था, आप अमेजिंग था। तो आप घर पे बनाएंगे, अगर आपने चिकन ट्राई किया तो आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।